हेलो बच्चों, अपा चैप्टर नंबर 9 में थे बेटा। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा इसके थ्योरमों की तरफ। जैसा कि हमने कहा था कि जैसे एक्सरसाइज पूरी होगी फिर उसके बाद एग्जाम्पल होंगे, हम इसकी थ्योरम करेंगे। और जैसे ही अपा बेटा इनकी थ्योरम करेंगे तो जो चीज़ें अपा ने यूज की थी उनके बारे में हमें क्लियर बातें मिलेंगी कि वो कैसे थी। ओके बेटा, तो पहली थ्योरम है 9.1 पेज नंबर 157, निकाल लीजिए बेटा। बोला गया है, क्या बोला गया देखो, कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। बेटा पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो उनका जो एरिया है इक्वल होगा। ये हमने यूज किया था, तो आज अब उसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कैसे हुआ था। तो मैं देखो सबसे पहले दो पैरेलल ले लेता हूं। ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, इसका नाम ए बी दे देता हूं। ओके बेटा, और इसका नाम मैं ई एफ दे देता हूं एक बार। ठीक बेटा, तो क्या कर लेता हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं। तो इसको इससे ए से ज्वाइन कर लेता हूं बेटा, इसको बी से कर लेता हूं। एक तो ये पहले ये नहीं, आप ई को ऐसे मिलाओ, एफ को इससे मिलाओ, एक इसको इससे मिला लो और एक इसको इससे मिला लो, तो सी डी इसका नाम देते हैं। तो एक तो पैरेललोग्राम आप मान लेते हैं ए बी ई डी और एक ए बी सी एफ, ये दो पैरेललोग्राम आप मान लेते हैं। ओके बेटा, ओके। तो देखो एक तो पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, दिखने में भी लग रहा है बेटा, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एफ। ठीक है, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, गिवन हमें है कि एक तो दोनों पैरेललोग्राम का बेस एक है। देखो चाहे आप ए बी ई डी में आ रहे हो तो भी बेस ए बी है, ए बी सी एफ में आ रहे हो तो भी बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है और दोनों सेम पैरेलल्स में, मतलब ए बी जो है वो इसके पैरेलल है, तो ए बी is parallel to EF। अब बेटा अगर AB मैंने EF के parallel कहा ना, तो AB सारों के ही parallel है, AB CD के भी parallel है, AB DF के भी parallel है, AB EC के भी parallel है, क्योंकि ये सारी की सारी line इसके parallel है। ओके बेटा, तो ये हमें given है। और prove क्या करके दिखाना है हमें, जो area of AB ED है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी सी एफ। ये हमें प्रूव करके दिखाना, मेन टारगेट हमारा यही है बेटा, और दोनों का बेस है वो सेम है। ओके, तो मैं कैसे इसको प्रूव कर सकता हूं इसके बारे में देखो। मैं क्या कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। बिल्कुल बेटा सीधी लाइन आपको स्केल से लेनी है, मैं हाथ से ले रहा हूं तो आपको सीधी नहीं लगेगी। ओके बेटा, तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ये बातें, कंस्ट्रक्शन। ठीक बेटा, तो इसका नाम आप दे देते हैं एम, कंस्ट्रक्शन सी एम, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा ए बी के ऊपर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, जो आपने सी एम परपेंडिकुलर लिया है ए बी के ऊपर, ये जो सी एम है वो आप अगर इस ट्रेंगल में भी हो ना तो इसमें भी परपेंडिकुलर काम करेगा। ये कल भी हमारी इसके ऊपर बात चल रही थी, क्योंकि ये देखो EF पैरेलल है AB, तो यहां से लेके यहां तक जो भी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसको आप इस ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। ओके बेटा, अब देखिए क्या है ना, आप एरिया निकालो बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नाम दे दो ए बी ED। ठीक है बेटा, तो कैसे निकलता है एरिया, बेस इनटू परपेंडिकुलर फार्मूला बेटा, तो बेस क्या हो गया AB हो गया और परपेंडिकुलर आपने अभी लेट किया है C। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे फार्मूला लिख दो, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ओके बेटा, अब रही बात, इसी तरह आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन से, ठीक बेटा ए बी सी एफ का,
तो क्या होगा बेटा, सेम फार्मूला, बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो वही बात, आप चाहे ए बी ई डी में हो तो भी यही एल्टीट्यूड होगा, ए बी सी एफ में हो तो भी यही एल्टीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पैरेलल्स में ही एल्टीट्यूड हर जगह काम कर जाएगा। तो क्या फार्मूला हो गया, ए बी इंटू सी एम इक्वेशन नंबर टू। ओके बेटा, ऐसा करो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन एक और दो को कंपेयर करो। कंपेयर में क्या होता है बेटा, जो एक जैसी चीज होती है अपन उसको छोड़ देते हैं और बाकियों को इक्वल लिख लेते हैं। तो आप बताओ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक जैसा क्या है, इसमें ए बी इंटू सी एम, ए बी इंटू सी एम, ये एक जैसा, इसको छोड़ दिया तो इक्वल क्या, बाकी क्या इक्वल लिख लूं, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा बेटा, ए बी सी एफ। तो ध्यान से देखो, क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था, एरिया ऑफ ए बी ई डी, एरिया ऑफ ए बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी एफ। तो यही अपने को बेटा प्रूव करके दिखाना था, जो कि आपने कर दिया है। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ में आया है कि एक पैरेललोग्राम है, एक नहीं सॉरी दो है बेटा, जिनका अगर बेस कॉमन हो और दोनों अगर सेम पैरेलल्स में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। इस तरह की थ्योरम आपने यूज की थी जब क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको कहा था बेटा कि ऐसा अगर होता है तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। आज हमें उस बारे में बात करने का मौका मिला कि वो एरिया कैसे इक्वल होता है, तो वो भी आपने करके देखा। अगर आपको ना समझ आए तो एक बार और बताता हूँ बेटा, ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, और ई एफ अगर पैरेलल ए बी के है तो ये ई सी भी हो तो वो भी इसके पैरेलल है, सी डी भी इसके पैरेलल अगर जरूरत पड़े तो, जैसे मैंने बताया है। तो ये हमें गिवन हो गया और सेम बेस हो गया, और प्रूव करके दिखाना है कि दो पैरेललोग्राम है ए बी ई डी और ए बी सी एफ, उनका एरिया इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, सी एम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर लिया जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। एक फिर मैंने बात आपको ये बताई कि ये जो परपेंडिकुलर है ये दो पैरेलल्स के बीच में है, तो ये एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो इस पूरे में कहीं भी यूज हो सकता है। सही, आप अगर इसमें आ रहे हो ना तो भी इसमें एक काम आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो बेस ए बी है और एल्टीट्यूड सी एम है। इसी तरह दूसरे का ए बी सी एफ का निकाला तो भी यही फार्मूला ए बी इनटू सी एम। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दोनों को कंपेयर किया, तुलना किया, तो दोनों को कंपेयर किया तो जो चीज एक जैसी उसको छोड़ दिया जाता है। तो दोनों में ये चीज एक जैसी उसको छोड़ा तो ये और ये इक्वल लिख दिया, और यही अपने को प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो ये हमारी पहली थ्योरम है और उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बढ़िया समझ आई है। इसके बाद इसमें एक सेकंड थ्योरम भी है बेटा, वो मैंने देखी थी कि टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये किया एज इट इज वो होगा और ऑलमोस्ट एक ही तरीका होगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं। ओके बेटा, तो थ्योरम नंबर टू आपको अपने आप करनी है, क्योंकि जैसे ये पैरेललोग्राम है वैसे वो दो ट्रायंगल बनानी है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है और इसी तरीके से करनी है, तो वो एक थ्योरम है, वो मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं। और अगर बेटा बाई चांस आपसे वो ना हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ गया आपको, और फिर भी अगर आपसे अगर वो ना हो थ्योरम तो मेरे को बता देना, मैं आपको करा दूंगा। ओके बेटा, अब इसके बाद है थ्योरम 9.3। क्या है देखो बेटा, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, दो ट्रायंगल बेटा जिनका बेस सेम है और इक्वल भी है एंड इक्वल एरिया, अब की बार उनका एरिया भी इक्वल दे दिया, एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, ये भी चीज अपन यूज की है कि अगर बेस सेम हो और एरिया इक्वल हो तो वो दोनों पैरेलल्स होंगे, दोनों पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे, बिल्कुल बेटा अपन ये यूज किया है। तो मैं इसका फिगर बना लेता हूं, दो ट्रायंगल बन रही बेटा यहां, एक नहीं दो, तो अपन यहां से दो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक ट्रायंगल तो ए बी सी इसका नाम देते हैं, ए बी सी डी, ये हमें इसके पैरेलल प्रूव करके दिखाना है, बेस दोनों का सेम, इसको ऊपर बनाता हूं, लो नाम ही बदलना था ऐसे ही इरेज कर दिया। ए बी सी डी
दोनों का बेस अपा कॉमन बना देते हैं। और बेस क्या कॉमन बनाए अपा, देखो अगर आप ट्रेंगल ए सी डी में आते हो तो भी आपका बेस क्या यूज करोगे, सी डी। और अगर आप ट्रेंगल बी सी डी में आते हो तो भी आप क्या यूज करोगे, सी डी। तो बेस देखो कॉमन हो गया। तो गिवन है, ठीक है बेटा, कि बेस ऑफ ट्रेंगल ए सी डी एंड ट्रेंगल बी सी डी ए सी बी, ठीक है बेटा, आर सेम, ठीक है बेटा, सी डी होगा। और क्या है, इनका एरिया भी इक्वल है। जो एरिया ऑफ ए सी बी है वो इक्वल है एरिया ऑफ बी सी डी, ये भी गिवन है आपको। शो क्या करके दिखाना है कि ये सेम पैरेलल्स के बीच में होगी, मतलब ए बी जो पैरेलल होगा सी डी, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से देखना बेटा, इसको आपने बहुत यूज किया है और उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया दिखाई दे रहा है बेटा। कोशिश मेरी ये रहती है कि वीडियो की क्वालिटी जितनी बढ़िया बनेगी उतना ही आपको अच्छा समझ आएगा। तो ए बी हमें सी डी के पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। आप ऐसा करो बेटा, ट्रेंगल जो ए सी बी में है ना, आप एल्टीट्यूड ले लो इस तरह से, बिल्कुल सीधा स्केल से लेना बेटा, और यहां से भी ले लो। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था इक्वल होता है, तो आप दो क्यों ले रहे हो? बस इतना तो हमें पता है कि इक्वल होता है, फिर भी आपने दो ले लिया, इसका भी आपस में कोई काम है। तो इसको मैं ई और एफ नाम दे देता हूं बेटा, ओके। अब आप देखो, आप आइए ट्रेंगल जो ए सी डी है इसमें आपने जो बेस ले लिया है वो ए ई ले लिया, जो परपेंडिकुलर है वो ए ई ले लिया, और इस ट्रेंगल में बी सी डी में आपने क्या ले लिया, बी एफ ले लिया। तो आप देखो, तो कंस्ट्रक्शन आपने किया है क्या है, ए ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड आल्सो जो बी एफ है वो भी सी डी के परपेंडिकुलर है बेटा। तो आप बताओ, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों पैरेलल होंगे क्या? अब देखो कैसे, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, नहीं सॉरी ये नहीं है पैरेलल, ये तो हम करना चाहते हैं, ये लाइन और ये दो कोई लाइन है, यहां से भी आपने परपेंडिकुलर ले लिया, यहां से भी परपेंडिकुलर ले लिया। परपेंडिकुलर का मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये भी परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर ये और ये बिल्कुल सीधा है बेटा तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, और जो चीज आपस में कभी ना मिले वो आपस में पैरेलल होती है। तो देन वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ए ई है वो पैरेलल होगा बी एफ के, जो ए ई है हमने क्या पैरेलल मान लिया बेटा, आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि जो ए ई है वो पैरेलल होगा बी एफ के, ओके बेटा। तो ये इसके पैरेलल हमें पता चल गया है कि ये इसके पैरेलल है। अब देखो आप क्या इसमें करोगे, आपको ये भी गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी, ये भी गिवन बेटा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल जो ए सी डी है और जो बी सी डी का एरिया है आपस में इक्वल है। आप बताओ आप एरिया कैसे निकालते हो कोई भी दो ट्रेंगल के बीच में, तो एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, जिसको आप हाइट बोलते हैं। तो इस ए सी डी का एरिया क्या निकलेगा, ए सी डी का, तो इसका क्या फार्मूला हो गया, 1/2 बेस आपका सी डी हो गया और एल्टीट्यूड है वो ए ई हो गया, ओके बेटा। इसी तरह ट्रेंगल बी सी डी का एरिया क्या फार्मूला बेटा, 1/2 बेस आपका सी डी हो गया और एल्टीट्यूड इसका क्या हो गया, बी एफ हो गया। तो बेटा 1/2 से तो 1/2 कट हो गया, सी डी से सी डी कट हो गया, ये जाके इसके डिवाइड में जाएगा तो कट हो जाएगा। तो ए ई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बी एफ। तो ये इक्वेशन नंबर इसका 1 नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ए ई आपका बी एफ के इक्वल भी है, तो ये चीज आपने यूज की थी, याद करो कि अगर ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है तो ए बी ई एफ क्या बन गया, आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो
तो देन यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, एक और दो को यूज करते हैं, तो देन वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ए बी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम है। वो क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो अगर ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है, तो देखो पैरेलल यहां था और इक्वल आपने अब कर दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ए बी ई एफ पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके पैरेलल हो गया? देन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। आप बताओ अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो ई एफ कहां पड़ा है? सी डी पे पड़ा है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ये इसके पैरेलल है तो सारा भी पैरेलल, और सारा पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है। तो इस हिसाब से आपका जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो गया? आल्सो ये भी होगा कि ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के भी होगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आ गई, और यही हमें शो करके दिखाना था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 9.3 है, और एक थ्योरम बेटा मैंने आपको करने के लिए दी है, और इसमें मैंने चेक किए बेटा तीन ही थ्योरम है। ओके, तो इस हिसाब से हमारी जो इसमें थ्योरमें थी वो कंप्लीट होती है। और अगर बेटा आपको सेकंड थ्योरम आपसे ना हो, या इन दोनों थ्योरमों में से कोई एक थ्योरम समझ ना आए, या कोई दोनों ही ना आए, तो बेटा मेरे को आप बता देना, आपको इसको करवा दिया जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका वर्क है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।